कब पैसा ली। अब मुझे रोना गुस्से में, हाँ मुझे रोना आ रहा था, मैं बता नहीं पा रही थी हड़बड़ी में। मैं बोली जो महीना बीता उसमें ली, बोले क्या करने के लिए पैसा ली। मैं बोली सर मुझे पैसा जमा करना था, मैं इसलिए लिए मेरे बच्चे। आपने नहीं कहा कि इतना गुस्से में काहे बात कर रहे हैं? मैं बोली मेरे बच्चे में, सर मुझे रोने के आगे मुझे कुछ नहीं आ रहा, एक एक रुपया हम कैसे कैसे जमा करते हैं हम जान रहे हैं, वो हमें डांट रहे हैं। पुलिस कहाँ की थी? चौकी माहौल की। बोल रहे हैं कि इतना पैसा घर में रखी हो, बिल्ली आ रही है, बिल्ली के लोग सौ सौ आराम से, और लोग थी हमारी, मतलब वो ताना मार रहे हैं। हाँ, और हमारी जेठान थी वो बोल रही है, तो बोल रही तुम कौन होती हो बोलने वाली, तो ये अच्छा, आपकी जेठान जब बोले तो पुलिस वाले कह रहे हैं तुम कौन होती हो बोलने वाली, तो ये हुआ कि ये हमारे घर की मेम्बर है, तो बोल रहे हैं कि सौ सौ ना चले जाओ इधर से, नेपाल पाकिस्तान चले जाओ, ऐसे पुलिस वाले बोले। हाँ बताइए आप सर, हम सब लोग रात में सोए थे इधर, सब लोग पुलिस इंचार्ज जा रहे हो, बोलते हैं सो सो, रात में इंसान सोएगा नहीं तो क्या करेगा, जागेगा। अभी हम है आजमगढ़ के अहरौला ब्लॉक के भैंसहा गांव में, और यहां पर एक चोरी हुई है। चोरी जो है बड़ी रोचक हुई है, घर की नींव को काट कर चोरों ने सामान चुरा लिया। दरवाजा बंद था, घर वाले दरवाजे के बाहर बरामदे में सोए हैं और वहां से चोरी हो जा रही है। हमारे साथ घर के मुखिया हैं, आइए उनसे जानते हैं कि चोरी के वक्त क्या हुआ कि आप जान नहीं पाए। क्या नाम है आपका? नाम गिरीश। कैसे पता नहीं पता चला आपको? हम लोग यहाँ पे सब सोए हैं और कोई पता नहीं लगा, पीछे से खोला और उसके बाद जो है एक थाली गिर गई है, वो हला अंदर में, लेकिन हम लोग सोचे बिल्ली है अपना खड़बड़ा रही है। ऐसा पहले बार हो भी चुका है? कई बार पहले बिल्ली आती थी और उसी की वजह कोई उठा नहीं और वो जो है हल्के सामान निकाल के लेके भाग गए। किसी पे शक वगैरह है कि नहीं? साहब ना, अब कई कई बताए बिना देखे कैसे किसी बताए। और पुलिस आई थी? पुलिस पास आप गए? पुलिस आई देख के गई, लेकिन हम ही लोगों के घुस गए। कहा है इतना पैसे कहाँ गया? 50 वो नहीं नहीं नहीं, एक बार बताइए पुलिस जो है आप लोगों घुरु के क्यों जा रही है, गुस्सा करके क्यों जा रही है? ये कह रहे कितना पैसे गहना कहाँ से लाए, वो किस्त पे वो इतना पैसा इतना गहना कितना पैसा था? वो 50,000 रुपया था, वो किस्त बैंक से भी निकाले थे। 50,000 रुपया पुलिस को बहुत ज्यादा लग रहे हैं। और किस्त में जमा करते हैं। और गहना कितने का रहा? गहना वो देखो नौ थान में गहना दिया है, मेरी पतो है नौ थान में गहना सबको दिया, लेकिन जो है सब सब ये तो पूरे जीवन की कमाई रही होगी। हाँ साहब, तो पुलिस वाले आपको गुस्सा कर रहे हैं कितना 50,000 रुपया कहाँ से आ गया? हाँ कहाँ घर में क्यों रखी हो? तो आप क्या बोले? हम कहे भाई घर में रखा जमा करना था। और वो बैंक से लाए थे। कब आप पैसा निकाले थे? पैसा वो औरत निकालती है ना, हम नहीं। तो आप पैसा कब निकाली थी? आइए कागज देखा। पैसा आप निकाल के घर पे लाए थे बैंक में जमा करने? हाँ वो मैंने पैसा जमा में हराने वाला ना करते हैं। आपने रेडी है? आपने पैसा निकाला था? हाँ सर मैं समूह चलाती हूँ। अच्छा आप समूह चलाते हैं? समूह में पैसा जमा करो निकालो। हाँ, तो इतना तो पैसा तो आता ही रहता होगा घर में, सबको देना होता होगा। देना जो जरूरत पड़ती तो मुझे निकालना पड़ता है, फिर मुझे जरूरत पड़ी तो मैं पैसा लूंगी ले जाके जमा करूंगी, ये सब काम मेरा है। ये पैसा जो 50,000 है आपने कब निकाला? 12,000 रुपया मैं निकाली थी और ये जो 10-10 रुपया जमा करते हैं हफ्ता में औरतों का जमा होता है उसमें 550 रुपया वो था, और आदमी मेरे दूसरे से पैसा लेके हम किस्त चला रहे हैं, उसी में जमा करना था कि पैसा जमा करने, फिर बच्चे मेरे बीमार है, आदमी बीमार है, तो पैसा हमेशा अपने पास नहीं रखूंगी, मैं क्या करूँ? पुलिस वाले गुस्सा करके गए। हाँ कि क्यों इतना पैसा घर में रखी हो, सो सो तुम, हमारा वही घर है, हम कहाँ जाए। उत्तर प्रदेश पुलिस अखिलेश यादव का नारा था ना कि आपकी सोच से 2 कदम आगे, इस समय 10 कदम आगे हैं। चोरी हो रही है, चोर को पकड़ने के बजाय डांटा जा रहा है, गुस्सा किया जा रहा है जिनके घर पे चोरी हो रही है। और घर की स्थिति आप देख सकते हैं, ये महिला है, ये क्या नाम है आपका? सारिका। सारिका जी चलाती हैं समूह, पैसे का लेन देन करती हैं छोटे स्तर पे, ऐसा हर गांव में अक्सर होता रहता है। लेकिन सवाल तो अब पुलिस पे भी है कि गुस्सा करके क्यों जा रहे हैं आप? अगर ये बेचारे, आप घर की स्थिति देख रहे हैं, गुस्सा करके आप जाएंगे तो ये जो बताने लायक स्थिति में होंगे डर के मारे वो भी नहीं बताएंगे। चोरी घर में हुई है, आम जनमानस में पुलिस घर पे आ जाए तो वैसे ही डरते हैं सब, और आप गुस्सा करके जाएंगे तो पुलिस वाले क्या जवाब देंगे? यहाँ के लोग जो जिसके घर पे चोरी हुई क्या जवाब देगा? ये तो सहानुभूति से आप बात करते,
हाँ क्या पूछ रहे हैं आपसे? पूछ रहे हैं कब पैसा ली। अब मुझे रोना, पूरा गुस्से में। हाँ मुझे रोना आ रहा था, मैं बता नहीं पा रही थी हड़बड़ी में। मैं बोली जो महीना भी था उसमें ली, बोले क्या करने के लिए पैसा ली। मैं बोली सर मुझे पैसा जमा करना था, मैं इसलिए लिए मेरे बच्चे। आपने नहीं कहा कि इतना गुस्से में काहे बात कर रहे हैं? मैं बोली मेरे बच्चे में सर मुझे रोने के आगे मुझे कुछ नहीं आ रहा। एक एक रुपया हम कैसे कैसे जमा करते हैं हम जान रहे हैं, वो हमें डांट रहे हैं। पुलिस कहाँ की थी? चौकी माहौल की। बोल रहे हैं कि इतना पैसा घर में रखी हो, बिल्ली आ रही है, बिल्ली के लोग सो सो आराम से, और लोग थी हमारी, मतलब वो ताना मार रहे हैं। हाँ, और हमारी जेठान थी वो बोल रही है, तो बोल रही तुम कौन होती हो बोलने वाली। तो ये अच्छा, आपकी जेठान जब बोले तो पुलिस वाले कह रहे हैं तुम कौन होती हो, तुम कौन होती हो बोलने वाली। तो ये हुआ कि ये हमारे घर की मेंबर है, तो बोल रहे हैं कि सो सो ना चले जाओ यहाँ से, इधर से नेपाल पाकिस्तान चले जाओ। ऐसे पुलिस वाले बोले? हाँ बताइए हम कहाँ जाए, हमें तो यही सब है ना, हमें तो इसी में रहना है, आप लोग तो कुछ करते भी नहीं है, सिर्फ बोलने के लिए आ जाते हैं हमें। उत्तर प्रदेश पुलिस है। अब पुलिस का आपको नाम पता है? वो लोग जो आए थे नाम तो नहीं पता होगा? नहीं मैं नहीं जानती। आप प्रधान जी जानते होंगे। बहरहाल आंसू देख रहे हैं गरीब का, बेबसी देख रहे हैं। और उत्तर प्रदेश की पुलिस जिस घर में चोरी होती है वो आके कहती है कि सो जाओ, ताना मार रही है, गुस्सा कर रही है, बेबसी नजर नहीं आती पुलिस को। और पुलिस वाले क्या करते हैं जांच के नाम पर? अब गरीब है ये तो कितनी जांच होगी, ये तो समय ही बताएगा। दरखास्त आपने दे दी है? आदमी हमारे सर दौड़ रहे हैं सुबह से, मैं इसके बारे में। आपने शिकायत जब की? हाँ, कितने पुलिस वाले आए थे? दो लोग थे, दो ही लोग थे। मुझे तो मतलब आप जरा कल्पना करिए, किसी घर में चोरी और कोई बदतमीजी से ऐसे आके बात करे, वो चाहे जो हो, तो क्या बीतेगी आपके ऊपर? आइए दिखाते हैं आपके घर में, इनके घर में चोरी कैसे हुई है। ये देखिए, ये घर है, घर की स्थिति आप देख रहे हैं। 50,000 बहुत ज्यादा है पुलिस के लिए। 50,000 मतलब क्या? 50,000 रुपए आजकल 50,000 में मिलेगा क्या? बहुत ज्यादा है 50,000 रुपए। कितना पैसा कहाँ आया सबूत दीजिए कि ये आया। बता भी रहे हैं हम समूह चलाते हैं, फिर भी समझ में नहीं आ रही बात किसी को। विश्व गुरु बनाने चल रहे हैं देश को। ये छोटी सी दुकान है, ये दुकान देखिए कैसी स्थिति में है। ये दुकान है, ये कुछ कागजात फैले हैं, ये जो बचे होंगे आए कोई किया होगा, ये घर का ही सदस्य किया होगा या कोई किया होगा। अच्छा ये खेत में पड़ा था, ये चोर छोड़ के चले गए हैं। भाई चोर को क्या जरूरत? सारिका जी का ही है पैन कार्ड, पहचान पत्र, निर्वाचन कार्ड है। ये घर वाले, ये तो जरूरत ही नहीं पुलिस वालों चोरों को। और ये सामान है, और ये देखिए। अब ये चोरी अगर दरवाजा बंद है घर के अंदर से, स्वाभाविक सी बात है कि अगर दरवाजा बंद है, बाहर कोई सोया और अंदर से कोई नींव तोड़ के आ रहा है, और कच्ची दीवार है, कितना मिनट लगेगा इसको तोड़ने में? ये कितना मिनट लगेगा इसको तोड़ने में? ये देखिए मिट्टी तो ऐसे निकल रही है, मिट्टी तो ऐसे निकल रही है। एक लोहे की रॉड लगाइए, पूरा दीवार निकल जाएगी। तो यहाँ से अच्छा ये पैसा निकाल लिए चोर। अब ये चोर तो सफाई से हाथ लगाएगा ना, जब चोरी सफाई से कर रहा है तो कुछ गिरा होगा। इन्होंने सोचा होगा, आम जनमानस में यही धारणा होती है घर में कुछ चीज होती है तो पहले ये होता कि बिल्ली होगी या चूहा होगा। अब ये फ्रिज है छोटी सी। अब पुलिस वाले ना पूछे, बिना पूछने की फ्रिज कहां से आ गई, इतना महंगा कहां से आ गया, 10,000 का सामान, गजब हाल है। किसी घर में चोरी हो जाए तो ऊपर से ये इधर से भी तोड़ा गया है, उधर से भी तोड़ा गया है, कोशिश उधर से हुई है लेकिन तोड़ नहीं पाए हैं। तोड़ नहीं सर, उधर पीछे से भी किए हैं तो तोड़ नहीं पाए हैं, फिर उसके बाद उधर किए हैं बरामदे में जहाँ दुकान है हमारी, खाट सुधर उधर ही सोते। कब पता चला आपको कि चोरी हो गई? सर सुबह पता चला, सुबह 5:30 बजे करीब पता चला कि घर में वो बच्चा हमारा उठा तो बोल रहा है मम्मी दीवार गिर गई। और कितने बजे ये? ये सर रात में हुआ होगा, हम सोए हैं पर इतने रात में बता, 11:30 बजे। हाँ 11:30 बजे तक मैं जाग रही थी, क्योंकि मेरा नहीं कुछ नहीं हुआ था, बच्चा मेरा बीमार। आप बताइए ये अगर इनके पास पैसा होता, बहुत अमीर होते तो ये कपड़े ऐसे दिखते आपको? ये गरीब का घर नहीं दिख रहा है, ये किसी मुकेश अंबानी का घर थोड़ी ना है। हाँ आप सवाल करेंगे कि इतना पैसा कहाँ से आ गया? और जिस तरीके से ये हालात बने हैं, आप बर्तन देख लीजिए कैसे हैं, चूल्हा कैसे है, गैस है यहाँ पे दिख रहा है। अब कहेंगे ये तो अमीर है, इतना पैसा इसलिए आ गया। सामान क्या क्या गया है आपका? सर पैसा था, मेरा गहना था। गहना था? हाँ मेरा गहना। गहने की कीमत कब तक? लगभग 9 थान था। हाँ वो मेरी शादी हुई 10 साल हुआ। अच्छा। हाँ, 10-11 साल हुआ शादी में मिला था। गाने में मेरी मांटी का था, पैर का पावजेब था, गले का मंगलसूत्र था, हाँ, करधन मिली थी, बाट चोटी थी, हाथ का ककना था, और बच्चे लोग के गले का सीकर था, चूल्हा था, मीना था, ये सब चला गया। तो ये अक्सर क्या होता है, महिलाएं घर में ही रखी रहती हैं भाई, ये इनको अंदाजा भी नहीं है कि लॉकर भी कोई चीज होती है बैंक में। नहीं पता किसी को, गांव में आप पूछेंगे लॉकर क्या होता, किसी को नहीं पता होगा।
और गांव की महिलाएं लिटरेसी लेवल बहुत कम है, आप समझ रहे हैं। और चाचा आप ये यहाँ से तोड़ने की कोशिश की है क्या? यहाँ भी तोड़ी, तीन जगह से तोड़े। ये तो बहुत धीरे से निकाले होंगे, फिर क्या किसी किए होंगे? ये देखना ने चारपाई, हाँ पंखवा हो और ये रहा। अच्छा वो अंदाज एक तो देखिए, यहाँ पे यहाँ तोड़ने की कोशिश की गई, फिर वहां तो फ्रिज के पीछे, और सबसे जिनको मिली है यहाँ चोरों को पीछे यहाँ से। अब यहाँ से आप देखिए एक दो लोग आए होंगे, अगर ऐसा हुआ होगा तो ये सीधी बात है, यहाँ से कोई आया होगा निकाल लिया होगा सामान, उनको पता था दो चार दस मिनट आधा घंटा जो भी लगा होगा ढूंढने में चोरों को, बहुत लॉकर तो इनके पास है नहीं मजबूती से, कपड़े में बांध कर इधर उधर सब रखे होंगे ना। अच्छा झोला वाला सब आपका निकाल ले गए? बकरी बेच के पैसा रखी थी। अच्छा बकरी बेच, हाँ वो सब पैसा, वो दवा उनकी सिर की दवा चल रही है उसमें पैसा था, वो सब लेके चले गए, कुछ नहीं है टोटल पूरा 50,000 रहा होगा पैसा, इससे कम नहीं रहा होगा, क्योंकि मैं समूह का पैसा ली थी, मुझे पैसा भी जमा करना था, वो भी अपना ले होके आके रखे थे पैसा आदमी हमारे, हर बार से इधर उधर से लाके रखे थे सब। दरअसल होता क्या है गांव में, जो थोड़ा सा पीछे हैं वो बैंक में रखना प्रेफर नहीं करते हैं, क्योंकि उनके पास ना तो वो पहली बात तो फोन पे चलाना जानते थे नहीं होंगे आप लोग सर, मुझे फोन मोबाइल से डिजिटल इनको कुछ नहीं पता, तो ये कैश ही रखते हैं, रख लिया जमा करते या निकालते जो भी इनकी समस्या थी। लेकिन शर्म की बात यह है कि उत्तर प्रदेश पुलिस खुद इनको डांट रही है, ये थोड़ा सा सवालिया निशान करता है कि पुलिस के ऊपर खुद क्यों डांट रहे हैं भाई आप? आप प्यार से बात कर सकते थे ना, यही बात आप आराम से बोलते, ताना मार रहे हैं कि नेपाल चले जाइए पाकिस्तान चले जाइए। सोइए सोइए, और हाँ ये कहाँ के माहौल चौकी के थे ना? हाँ माहौल चौकी बोल रहे हैं, सोइए सोइए, पुलिस हमारी सुरक्षा के लिए, हम उनको देख के डर जा रहे हैं। फिर आपने क्या बोला आपको सर? पूछ रहे हैं कब पैसा निकाली, तो मुझे रोना आ गया, तो मैं बोली कि अगले महीने में भी जो बीता उसमें निकाली, कितनी तारीख को निकाली थी, तो मैं बोली सर तारीख नहीं पता मुझे, 8 तारीख को पैसा जमा करना। बोले जब तुम्हें तारीख नहीं पता तो क्या बोल रही हो, अरे यार वहा इधर उधर की बातें करके बस बना रही हो, पूरा डांटने लगी पुलिस को, जज हो गई कह रही इधर उधर की बातें करके बना रही है। इतने पे मैं रोने लगी, मुझे रोना आ गया, वो तो मेरा क्या है मैं जान रही हूँ ना, हम लोग आदमी मेरे दिहाड़ी करते हैं, एक एक पैसा कैसे हम लोग रखते हैं हम जानेंगे, आप लोग क्या जानेंगे, आप लोग के पास तो एक साथ आ जाएगा, आपके लिए तो कुछ नहीं है, हमारे लिए तो एक एक रुपए की कीमत है, हम किससे मांगे? जब चोरी हुई तो कौन कौन था सर? हम सब लोग रात में सोए थे इधर, सब लोग इधर थे, तो रोज रात में बिल्ली आती है ना, बिल्ली आके सामान गिराती है, बर्तन गिराती है, तो रात में मैं बर्तन वर्तन पूरा साफ करके सोई थी, झूठ उठ नहीं था, तो मैं बोली ये बोले बर्तन गिर रहा है, तो एक थरिया की वही थरिया गिरी, तो मैं बोली थरिया गिरा थी और ज्यादा तू सुत्ता भी ला रहा है लिया, झूठ उठ ना बाटे, दरवाजा बंद ही था, तो ये बंद था, तो मैं बोली बिल 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 भाग, बस इतना बोल के मैं भी नींद में थी, मैं भी सो गई, मैं उठी नहीं। तब सुबह हुआ तब पता चला कि पूरी दीवार वाल कटी है, पूरा पैसा सब पूरा ये देखने लगे, पूरा ढूंढा गया सामान उमान कुछ नहीं, और बाकी सामान पुलिया पे फेंका हुआ था हमारा सामान, पुलिस आई है तो ये हुआ कि सामान छुओ मत, वो लोग आएंगे कुछ बताएंगे तब हटाया जाएगा, तो वो लोग भी हमारे आदमी को बोल रहे हैं कि तुम क्या करने के लिए ये सब बटोर नहीं सकते थे, क्यों फेंक के रखे हो, क्यों फेंक के रखे हो ये सब सामान, ऐसे ऐसे हमें डांटा जा रहा है हमारे आदमी को। अच्छा, हमारे भैया अच्छा, है भैया आदमी हमारे तो उधर ही है, दौड़ रहे हैं सुबह से उठे दौड़ी, पुलिस के पास गए हाँ, ये सब के चक्कर किसी नेता तक पास गए, अब ये हम नहीं बता सकते, सुना दे पुलिस के पास क्या दौड़ेगा, जब पुलिस कभी शिकायत सुना ना किसी की तो पब्लिक क्या, जब हमारी समस्या का समाधान पुलिस ही ना करे तो हम पुलिस के पास कैसे जाएंगे? ये बात आप सुन रहे हैं, आपके सामने बात हो रही है कि पुलिस इंचार्ज जा रहे हो बोलते हैं सो सो, रात में इंसान सोएगा नहीं तो क्या करेगा, जागेगा? समय होती है सब सोएगा, दिन भर मेहनत करते हैं, शाम का टाइम सोएंगे, मगर पुलिस को इस मजदूर तरफ है भाई, मजदूरी करके आ गए करके आते हैं, सो रहे हैं, रात को नींद ही लगेगी जी सर, साहब सब बोलते हैं कि कब निकाले हो, अभी पुलिस वाले या कोई भी ऑफिसर उनसे पूछ लिया जाए आप किस समय कौन सा पैसा निकाले हो, कोई बता नहीं सकता इसके बारे में, कितने भी बड़े लोग हो कि भाई बता दे कि नहीं भाई उस समय से पैसे निकाल के लाए, कोई पहले निकाल के लाए, किस काम पे क्या जरूरत है, ये सब सोचना चाहिए सबको। पुलिस से आप लोग बहुत संतुष्ट नहीं है सर? पुलिस से क्या संतुष्ट होंगे कोई, हम तो और संतुष्ट नहीं रहते, हम भी फूलपुर के रहने वाले, हम यहाँ पर देखते चले जा रहे हैं, मतलब और माहौल के हिसाब का तो हम बहुत कुछ सुन सकते हैं, एक बार नहीं कई कई बार हम सुन चुके हैं, कभी कुछ नहीं अच्छी सलाह दी इंसान को खाली डांटने के सिवा, कोई शिकायत दर्ज करे तो अरे क्या कर रहे थे तुम, इंसान को कब, अगर इंसान को पता रहे कि हमारी चोरी कब हुई तो चोरी हो ही ना पाए, सही बात है।
कोई समय बताएगा हाँ किस समय चोरी हुई सर, कोई बता दे अनुमानित बताएंगे हाँ इसी बीच में हुआ, इस बीच में हुआ जब नींद लगी उस बीच में हुआ, जब इंसान जागेगा तब तक जाग रहे थे तब नहीं उसी तक बता सकते अनुमान लगाएंगे ना, जब सो गए नींद लग गई जब उठेंगे तभी तक बता सकते उसके बीच में हुआ तो इसके बीच में बोलेंगे हाँ भाई उस बीच में घटना घटी, घटना घटी वही बोलेंगे, कोई भी हो एक्स वाई जेड कोई भी आदमी इंसान हो। तो आप चौकी में आप लोग गए थे फिर दोबारा? मैं तो अभी घर से आ रहा हूँ। अच्छा अच्छा, तो ज्यादा फिर गए रहे चौकी बिना? अब भाई इतनी देर कहाँ गई नहीं ना मालूम, अरावला थाने पे गए अभी ना गए लेकिन भाई यही है वैसे लौटी है तभी डांटने के लिए दो लोग पुलिस आए ना, चौकी इंचार्ज साहब आए, हां चौकी इंचार्ज आए ना, तीन फूल लाल पन हो क्या है, दो फूल ना दो स्टार रहा ना, देख रहे हैं आप मासूम मासूमियत देख रहे हैं, इनको ये भी नहीं पता कि ये दो स्टार है कि फूल है क्या, मतलब किस टेंडेंसी की आप बात सोच जरा करिए कि दरोगा साहब आके डांट के चले जा रहे हैं खुद, मतलब अब क्या बोलने, अब उत्तर प्रदेश पुलिस है ना कुछ भी संभव है, गजब हाल है, किसी घर में चोरी हो रही है और आप आके मतलब गुस्सा करेंगे तो बेचारा आप डर ही गए होंगे भाई, डर लगवा करी सरकारी है मारी भी सके ने तो जब मारे लगे का कह सकी हम लोग, आप लोग क्या बोले जब बोले कि ये गुस्सा कर रहे हैं तब चुप आई गई डर के मारे का बोली कल भाई अब गुस्सा है ना मार दे भाई वो तो ये तो सिखा ये जाना है ना मारा है गरिया और कुछ जनते ना उस सब कुछ नहीं समझाए ठीक है कोई दिक्कत नहीं है हम लोग हेल्प ना कुछ नहीं साहब कुछ नहीं डांटे के अलावा कुछ ना, बल्कि लड़का हमारे इनके आदमी गए चौकी में ओके भिख मंगा ओक मंगा बनाए बोल रहे हैं कि तू नहीं नहीं एक मिनट आपके लड़के चौकी में कंप्लेन के लिए गए तो क्या बोल रहे हैं पुलिस वाले? पुलिस वाले कह रहे तुम भिख मंगा हो ये इतना तो बतिया लड़को हमारे कहा और बतिया हम ना सुन ले तुम शराब पीते हो तो ये बोले हाँ जब सर जिसका दिल रोएगा वही बुझाने का ना बिल्कुल तो बोल रहे क्या आप शराब पीते हो तो बोल रहे हाँ चार पांच बोतल पी के हमेशा मैं सोता हूँ पर खींच गए हाँ तो क्या करें जब कोई हमारी सुन ही नहीं रहा है तो बोले ही जाएगा इस तरह अब देखिए पता नहीं कहाँ दौड़ रहे सुबह से ना हम हमारे छोटे छोटे बच्चे सब ऐसे ही पड़े हैं सब लोग ना खाना क्या हमें खाना पीना अच्छा लग रहा है अभी घर का चूल्हा भी नहीं जला है कुछ नहीं हुआ है कुछ नहीं सब ऐसे ही पड़े हैं ये जो हालात है ना आप पहले मैं कैमरामैन से एक बार कहूंगा घर की स्थिति दिखाइए अब घर की स्थिति देख के पुलिस वाले बोल रहे हैं कि भाई 50,000 कहाँ से आ गया भाई बता रहे हैं सोर्स ऑफ इनकम वो भी बता रहे हैं कि हम जो है समूह का पैसा लेके कुछ पैसा पति ने कुछ बकरी बेचे थे वो उसका पैसा रखा हुआ था भाई चोर जानेगा इतना पैसा तभी तो आएगा अब ये स्थिति देखिए मैं आपको एक बार पीछे से दिखाता हूँ जिस तरीके से चोरी हुई है मतलब अब इस हद को क्या कहा जाए घर वाले वैसे भी डर गए हैं पुलिस वाले के पास भी नहीं जा रहे हैं वो बोल रहे हैं कि नहीं घर पुलिस वाले डांटेंगे ये करेंगे वो करेंगे तो क्यों जाएं भैया हम हाँ इसीलिए मतलब तो हमको पुलिस को देखकर सेफ फील करना चाहिए लोग डर रहे हैं ये देखिए यहाँ से चोरी हुई है यहाँ से कोशिश किया गया तो यहाँ दिखा होगा कुछ कोई सोया होगा तो यहाँ पे देखिए ये कैमरामैन से कहेंगे एक बार जरूर दिखाइए इधर देखिए मतलब आप ये स्थिति देखिए यहीं से अंदर गए होंगे कितना मतलब इसको तोड़ने में कितना मिनट लगेगा एक राड हो ये देखिए कितना मिनट लगा हाथ से ही निकल जा रहा है ये स्थिति है ये अगर मैं फिर करूं तो फिर शायद गिर जाए ये देखिए एक उंगली से ये स्थिति है और बारिश भी है ये कच्ची ईट तो पकी है लेकिन मिट्टी से बनाया गया है सीमेंट तो है नहीं इनके पास पैसा ही नहीं होगा महंगाई चरम पे है और इस तरीके से गैर जिम्मेदाराना तरीके से पुलिस का बिहेवियर कतई सही नहीं है अब इस बारे में आपकी क्या राय है जरूर कमेंट करिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए।